हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस सब्जेक्ट फॉर द क्लास 7th, विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, जो फर्स्ट चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या था वो? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मीन्स उस चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो जो हम रोज फूड खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं वो क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? कि हमें एनर्जी मिले और हमारी बॉडी का अच्छी तरह से डेवलप हो। ओके, सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ओके, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसका मतलब क्या होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह खाते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन अवर इन द बॉडी, मीन्स जो हमने खाना खाया है उसका हमारी बॉडी में यूज़ कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, यू हैव स्टडी, देखो आपने क्लास 6 में फूड के कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो वही जो भी कॉम्पोनेंट्स आपको याद है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ओके, आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बिल्कुल मैथ्स की तरह, जिस तरह हम एकदम कॉम्प्लेक्स सम हल करने में फंस जाते हैं, वैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो सब्सटेंस है, कॉम्पोनेंट्स है, उसे समझने में हमें मुश्किल होती है। ओके, सो हमें इसको समझने के लिए उसको सिंपल बनाना होगा। ओके, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है उसे हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना होगा। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, डाइजेशन किसे कहते हैं? तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर, मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक करने जो किया जाता है उसे कहते हैं डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मीन्स खाना खाने के डिफरेंट तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। एनिमल्स अलग तरीके से खाना खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स अलग तरह से, एनिमल बर्ड्स जो होती है वो अलग तरह से। ओके, सो बीज एंड हमिंग बर्ड्स स्टक द नेक्टर ऑफ प्लांट, जो बी मधुमक्खी है और हमिंग बर्ड्स है वो क्या करते हैं, फूल फ्लावर में से रस को शक करती है, मीन्स उसमें से फूल का रस चूसती है। ओके, इनफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, मीन्स जो हम ह्यूमन बींग्स है और दूसरे एनिमल है वो क्या, के मिल्क पीकर वो लोग अपने बॉडी का ग्रोथ करते हैं। जैसे कि स्नेक हुआ, स्नेक क्या करता है, जो उसको खाने का यानी होगा तो क्या करेगा, जो भी उसका शिकार होगा उसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनके जो आसपास में स्मॉल पार्टिकल्स घूमते हैं उनको क्या कर जाते हैं, वो खा जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अब क्या समझना है आपको, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, मीन्स हम इंसानों में डाइजेशन किस तरह होता है उसकी प्रोसेस यहाँ पे आपको समझनी है। ये प्रोसेस आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये प्रोसेस आगे चल के काम आएगी, मीन्स आपको ये 10th स्टैंडर्ड में भी आएगी, इसलिए अभी से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुँह से। ओके, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, हम मुँह से खाते हैं, फिर पेट में हमारी प्रोसेस होती है और फिर हम इसे अपने बॉडी पार्ट में अलग अलग वे से यूज़ करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, मीन्स जो अनयूज जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो हम यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से। ओके, द हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको पता है कि जो भी हमारे फूड के बॉडी के अंदर फूड
जाता है उसका क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से जाता है? बकल कैविटी। यहाँ पे देखो जो टॉप पार्ट पे है ये क्या है? बकल कैविटी। वो वहाँ से स्टार्ट होकर एंड कहाँ पे होता है? एनस पर। ओके, नाउ द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो ये इतनी बड़ी बकल है, कैविटी है, सॉरी कैनल है, उसे हम डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बकल कैविटी, सेकेंड इज फूड पाइप, थर्ड इज स्टोमक, फोर्थ इज स्मॉल इंसेटाइन, फाइव इज लार्ज इंसेटाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द लास्ट सिक्स इज एनस। ओके, मीन्स ये डिफरेंट कंपार्टमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन डाइजेशन में कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं तो आपको ये सिक्स नेम्स बताने होंगे। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंसेटाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रेज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। मीन्स हम जो खाना खाते हैं तो जैसे ही हम अपना मील मुँह में रखते हैं तो हमारे मुँह में एक यानी कि लार आपको मालूम है ना क्या, जो मुँह में लिक्विड टाइप का आता है तो उसे क्या कहते हैं? सेलिवरी ग्लैंड। उसकी हेल्प से ही जो हमारा खाना है और जो दांत की हेल्प से हमारा खाना छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड होता है और अच्छी तरह से हमारे पेट में जाता है। ओके, तो ये ड्राइंग जो है वो आपको रेडी करनी है, लर्न करनी है। सेम ये ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके, द माउथ, अब यहाँ पे हम सॉरी एक मिनट, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इंटू सिंपल वंस। जो हम यानी के जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो उसको अंदर जाते ही वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स द जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, द एसोसिएटेड ग्लैंड से वो दोनों साथ में कंस्टिट्यूट करते हैं, मीन्स प्रोसेस करते हैं, तो इसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब खाने से लेके खाने को पचाने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे हम ये जो प्रोसेस है उसे वन बाय वन समझेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटी क्या होता है? फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है वो किससे अंदर लिया जाता है? तो मुंह से। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called ingestion। ingestion means खाना जो food को अंदर लेने की process को क्या बोलते हैं? ingestion। we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम क्या करते हैं? दांतों की help से खाना को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे pieces में divide कर देते हैं। okay, each tooth is rooted in a separate socket in a figure 2.3। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। देखो यहाँ पे जो टीथ है, यहाँ पे टीथ की ड्राइंग दी गई है, तो यहाँ पे क्या है कि जो टीथ है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो बैक साइड के थ्री टीथ है उसे क्या कहेंगे हम? मोलर टीथ। ओके, और जो उसके बाद के जो टीथ है उसे क्या कहेंगे? प्री मोलर। फिर जो ये वाला और ये वाला है इसे क्या कहेंगे? कैनाइन। और जो ये आगे वाले फ्रंट के जो दांत है उसे क्या कहेंगे? इंसिसर। ओके, ये था जो हमारे टीथ के पार्ट थे। ओके, नाउ आपको ये एक्टिविटी 2.3 है जिसमें आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें आपको उबाले हुए चावल डालने हैं और पानी डालना है, और दो यानी एक टेस्ट ट्यूब में आपको उबाले हुए चावल डालना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है? बॉइल्ड मीन्स उबाले या फिर खाए चबाए हुए चावल डालने हैं। ओके, और दोनों में ही आपको पानी के ड्रॉप्स डालने हैं। देन इन टेस्ट ट्यूब वी कीप वन
टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट, मतलब खाने के बाद आपको डालना है। तो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो जब हम खाना को चबाते हैं तो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जो हमारी टंग है, द टंग इज अ फ्लेशी मसलर ऑर्गेन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। मीन्स जो हमारी ये बकल कैविटी है माउथ में, जो बकल कैविटी इंक्लूड है उसमें जो टंग है वो क्या करती है, खाने को अच्छी तरह से मिलाने में हेल्प करती है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या है, द फूड पाइप। फूड पाइप मतलब जो हमारा, जिससे यानी कि खाना पेट तक जाता है, स्टोमक तक जाता है, उसे कहते हैं फूड पाइप। ओके, फूड पाइप की ड्राइंग कुछ इस तरह है, जिसको आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, ड्रॉ करनी है। देखो इसका शेप किस तरह है, जे शेप में। ओके, जे फोर जग होता है, उस शेप में इसका शेप दिया गया है। ओके, नाउ देखो इसके बारे में क्या है, द स्वेलेड फूड पासिस इंटू द फूड पाइप। जो हमारा चबाया हुआ खाना है वो फूड पाइप की थ्रू पेट में जाता है, एंड द चेस्ट में, चेस्ट से होता हुआ जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ओके, मीन्स जो भी हम खाते हैं वो इस पाइप के थ्रू नीचे तक जाता है। द स्टोमक, स्टोमक में क्या प्रोसेस होता है, तो द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। मीन्स जो हमारा पेट है वो एक मोटी दीवार की तरह एक बैग है, ठीक है, यानी मोटी दीवार जिस तरह होती है उस तरह का एक बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट एंड यू, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। मीन्स जो हमारा स्टोमक है वो किस शेप में है, यू शेप में है। ओके, और ये क्या है, एक सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है। द एसिड स्किल में, जो हमारा स्टोमक है इसमें एसिड भी इंक्लूड होता है। मीन्स डिफरेंट टाइप का जो फूड अंदर जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, जिससे मिलकर एक डिफरेंट टाइप का एसिड भी बनता है। ओके, नाउ द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मीन्स जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, अब आता है द स्मॉल इंसेटाइन। इसका मतलब क्या होता है, जो छोटी आंत होती है हमारे बॉडी में, वो सिर्फ इसका नाम है स्मॉल इंसेटाइन, बट ये साइज में सबसे लंबी है। मतलब अगर हम बात करें स्मॉल इंसेटाइन और बिग इंसेटाइन की, तो ये बड़ी है। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलिड, द इसको इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखो ये कुछ ज़्यादा ही लंबी है, हम तो इतने होते भी नहीं है, 7.5 मीटर है, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं होती है, राइट। सो जो ये इतनी बड़ी हमारे पेट में आई कैसे, तो ये कुछ नहीं है, गुजरुम बुजरुम मतलब गोल गोल शेप में, राउंड शेप में होती है, इसलिए वो हमारे पेट में आ जाती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैस्टुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। ओके, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब ये कहाँ पे हमारे यानी जो हमारा पेट होता है, स्टोमक होता है, उसके राइट उसके लार्जेस्ट ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में आता है, वो एब्डोम के राइट साइड में सिचुएटेड है। ओके, द सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। ओके, मीन्स जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैल ब्लैडर। ओके, दिस बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंसेस्टाइन वेयर इज द इंसेशियन जूस कंप्लीट इन द डाइजेशन। मीन्स इसमें क्या होता है कि यहाँ पे फूड को डिवाइड करने की प्रोसेस होती है, मतलब कि फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, जो भी डाइजेस्ट हुआ उसे आगे के प्रोसेस में भेजा जाता है। ओके,
नाउ एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है. तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन. ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड वहाँ से पास होता है, मतलब वहाँ से जाता है, तो जो ब्लड वेसल्स है कहाँ पे होती है, जो छोटी मतलब आंतों की दीवारों पे होती है, तो वो क्या करता है उधर ऑब्जर्व कर लेता है, जो ब्लड है वो क्या कर लेता है ऑब्जर्व कर लेता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स, दिस आर कॉल्ड विली. मीन्स जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर वाले पार्ट में फिंगर लाइक आउट ग्रोथ से, मीन्स यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फिंगर लाइक आउटवर्ड्स होते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं हम विली, क्या कहते हैं विली. ओके, नाउ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हम प्रोटीन्स होती है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ओके, यहाँ पे देखो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्रोटीन, वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट. ले दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशन, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. ओके, अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ नाम का लार्ज है. ओके, लेकिन वो लार्ज रियल में है नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में छोटी है. ओके, इट इज़ अबाउट 1.5. ओके, और जो स्मॉल थी वो कहती 7.5. याद रखना, ये चीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है. द मेनली वेस्टे पासिस इन टू द ट्यूम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, मतलब कि जो भी यानी डाइजेस्टिव हुआ है वो आगे की प्रोसेस में जाएगा, और जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो दूसरे रास्ते से हमारे बॉडी में से बाहर जाता है. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही. जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स. ओके, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनमें ये डाइजेशन हम पढ़ेंगे. यहाँ तक आपको रीड करना है और उसे समझना है. ओके, एंड आपको जहाँ समझ में नहीं आता है उस टॉपिक पर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.